जय श्री कृष्णा दोस्तों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहें। मित्रों, एक भंवरे की मित्रता एक गोबर में रहने वाले गोबड़ैले से हो गई। गोबड़ैले ने भंवरे से कहा, भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र बन गए हो, इसलिए तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम भी बहुत है, तो कल तुम मेरे यहाँ भोजन करने आओ। अगले दिन सुबह होते ही भंवरा गोबर में रहने वाले कीड़े के यहाँ भोजन करने पहुँचा। गोबड़ैला अपने मित्र भंवरा को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। बड़े आदर सत्कार के साथ उसने अपने मित्र का स्वागत किया और भोजन में गोबर परोस दिया और बोला, मित्र भोजन ग्रहण करो। गोबड़ैले की बात सुनकर भंवरा सोचने लगा कि मैंने बुरे का संग किया तो आज मुझे गोबर खाना ही पड़ेगा, संगति का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी भंवरा ने गोबर खाया। जब भंवरा वहाँ से जाने लगा तो भंवरा ने गोबरी कीड़े से कहा, मित्र जिस तरह मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम है, वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, अतः तुम भी मेरे यहाँ आओ और भोजन करो। अगले दिन सुबह होते ही गोबर में रहने वाला कीड़ा भंवरा के यहाँ पहुँचा। भंवरे ने उस गोबर में रहने वाले कीड़े को उठाकर गुलाब के पुष्प में बैठा दिया। उस गोबरी कीड़े ने फूलों का रस पिया और कहने लगा, मित्र तुम तो बहुत ही अच्छी जगह में रहते हो और बहुत अच्छा खाते हो। वह कीड़ा ऐसा कह ही रहा था तभी मंदिर के एक पुजारी जी आए और जिस पुष्प पर वह कीड़ा बैठा हुआ था उस पुष्प को भी उन्होंने तोड़कर मंदिर में ले जाकर भगवान श्री नारायण के चरणों में चढ़ा दिया। वह कीड़ा जो गंदी जगह में रहता था उसे परम पिता श्री हरि विष्णु के चरणों को छूने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तत्पश्चात संध्या समय आया तो पुजारी जी ने समस्त फूलों को इकट्ठा किया और उन सबको ले जाकर गंगा जी में विसर्जित कर दिया। वह कीड़ा गंगा जी के पवित्र जल की लहरों में लहरा रहा था। तभी उस मित्र कीड़े को वह भंवरा ढूंढता हुआ कीड़े के ही पास पहुंच गया। भंवरा ने गोबर में रहने वाले उस गोबड़ैले से पूछा, मित्र कैसे हो? गोबड़ैले ने अर्थात उस कीड़े ने भंवरे से कहा, मित्र आज तो बड़ा पुण्य हो गया, जन्म जन्मांतर के पापों से मुझे मुक्ति मिल गई। मुझ तुच्छ कीड़े को आज तेरी मित्रता के प्रभाव से भगवान श्री नारायण के दर्शन हो गए और गंगा मैया के पवित्र जल की लहरों में मैं पुष्पों के साथ डुबकियां लगा रहा हूँ। यह सब अच्छी संगत का ही फल है। हे मित्र, जिसे मैं स्वर्ग समझ रहा था तो वह तो गंदगी थी और आज जो तेरी वजह से मिला वही स्वर्ग है। सज्जनों, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र में जब पानी का एक बूंद केले के ऊपर गिरता है तो वह कपूर बन जाता है, वही पानी का एक बूंद जब सीप पर गिरता है तो वह मोती बन जाता है, और वही पानी का एक बूंद जब सर्प के मुख पर गिरता है तो वह विष बन जाता है। स्वाति नक्षत्र का वह पानी का बूंद जिसके साथ जैसी संगति करता है उसके भाग्य का वैसे ही निर्माण होता है। मित्रों, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए संगति का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बाल्यावस्था से ही अर्थात बचपन से ही जिन लोगों की संगति अच्छे लोगों से होती है एवं जो अच्छे वातावरण में पलते बढ़ते हैं उनमें अधिकांशतः लोग अच्छे ही होते हैं। उनका स्वभाव अच्छा होता है, उनकी बोलने की शैली अच्छी होती है एवं दूसरी ओर इनसे जो विपरीत पलते बढ़ते हैं अर्थात जो गलत संगति में पलते बढ़ते हैं तो गलत एवं बुरे लोगों की संगति के प्रभाव के कारण वह भी उन्हीं की ही भांति बुरे हो जाते हैं। गलत संगति में पड़ जाने वाले लोग अपना तो नुकसान करते ही हैं, साथ में समाज और देश के लिए भी बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं। बुरी संगत में पड़कर जब व्यक्ति बुरा काम करने लग जाता है तो उसका नतीजा भी
बहुत बुरा ही होता है। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप भले ही बहुत ही अच्छे हैं, तब भी बुरे लोगों का संग ना करें, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाया करता है। आप अगर गृहस्थवान हैं और घर के मुखिया हैं और आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे यही कहूँगा कि ना गलत लोगों के बीच रहिए और ना ही अपने परिवारजनों में, चाहे वह आपका पुत्र हो, पुत्री हो या घर का कोई भी सदस्य हो, उन्हें गलत संगत में न फंसने दीजिए और ना ही फंसिए। छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। अगर आप माता पिता हैं तो छोटे बच्चों के सामने अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिए, उन्हें अच्छा संस्कार दीजिए। इसमें आपका ही लाभ है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी गलत संगति में फंसकर व्यसन कर रहे हैं और माता पिता ध्यान नहीं देते। छोटे बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है और ये छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्ग एवं माता पिता का कर्तव्य है कि वह इन सब बातों का ध्यान रखें। माना कि सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन आज के वर्तमान समय में बहुत ऐसे हैं जो गलत संगति के कारण व्यसन का एवं बुरे कर्मों का शिकार हो रहे हैं। अगर आप छात्र हैं और आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपका पालन पोषण करने के लिए आपके माता पिता ने अपने जीवन के सुखों को त्यागा है। आपके सुख के लिए आपके माता पिता ने अनेकों दुख को सहा है। आपसे आपके माता पिता को बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपसे बहुत सारे उनके सपने जुड़े हुए हैं। इसलिए अपने शिक्षा पर ध्यान दीजिए और कभी भी गलत संगत में ना पड़िए। अगर आप गलत संगत में पड़े भी हैं, तो उसका शीघ्र ही त्याग करिए, इसी में आपकी भलाई है। अगर आप इन सब गलत चीज़ों से दूर हैं, तो हमेशा ही बुरे लोगों से, बुरे कर्मों से, बुरी संगत से दूर रहिए और आगे बढ़िए। गलत संगति स्वयं का विनाश कर देती है, इसलिए इससे हमेशा बचे रहें। दोस्तों, रामचरितमानस में कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य का शरीर बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है। मानव शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सभी सदग्रंथों की घोषणा है। यह मानव शरीर अति महत्वपूर्ण है। इसी शरीर के माध्यम से अच्छे कर्म करके हम अपना लोक परलोक सुधार सकते हैं। यह मानव तन ही मोक्ष का भी द्वार है। मित्रों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।